नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, आज मैं मफलर डिजाइन लेकर आई हूँ। और ये जो डिजाइन है ना, आप मफलर में भी बना सकते हैं और स्वेटर में भी बना सकते हैं। लेडीज के, जेंट्स के, बच्चों के मफलर, शॉल, स्कार्फ, ब्लैंकेट, कैप वगैरह, बहुत सुंदर लगता है। इस तरह के डिजाइन अगर हम डालते हैं ना, कार्डिगन वगैरह में भी अगर हम बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए, मफलर के लिए अगर बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, और सिंपल स्वेटर में बनाना है तो कैसे बनाना है। अगर आपको सिंपल स्वेटर में बनाना है तो उसके लिए, तो बॉर्डर बनाने के बाद आप इसको डिजाइन को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मफलर में बनाना है तो उसके लिए हमें ये जो झालर लगी है ना, इसके लिए जाली डालनी है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। और बहुत सुंदर डिजाइन है, इसको आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। देखिए, सीधी साइड से इस तरीके से दिखता है और दूसरी साइड से ये इस तरीके से। तो मफलर में हम जब डिजाइन डालते हैं ना, तो इस तरीके के डालते हैं जो दोनों साइड से सुंदर लगे देखने में। तो देखिए, इधर जाली वाला डिजाइन आएगा और इधर ये इस तरीके का डिजाइन आएगा। इसको बनाने के लिए हमें चार चार के हिसाब से फंदे लेने हैं, चार चार और चार के, फिर एक फंदा हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। चार के हिसाब से फंदे लेके, जितने भी आपको बड़े प्रोजेक्ट में इसको बनाना है, चार चार के हिसाब से एक फंदा एक्स्ट्रा ले लें। तो उसके लिए मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं, ऐसे डाले हैं 17 फंदे, चार चार के हिसाब से लेके 16 और एक 17, 17 फंदे मैंने डाल लिए हैं। और उसके लिए मैं एक सलाई जो है ना, उल्टी बना लूँगी सिंपल, फंदे डालने के बाद। फिर फंदे मैंने सिंगल धागे से डालने हैं। अगर आपको स्वेटर में फंदे डालने हैं तो आप जैसे डबल धागा करके बनाते हैं तो डबल में डाल लें, अगर मफलर में डालना है तो सिंगल धागे से इस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं, जैसे मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ ज़्यादातर जब मफलर डिजाइन बनाते हैं। तो देखिए, ये 17 फंदे हैं, एक फंदा मैंने जो अभी डाला वो निकाल देती हूँ। 17 फंदे मैं इनको उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। पहले अपनी साइड को बनानी है पूरी सिलाई इस तरीके से। देखिए, एक सिलाई हमने उल्टी बना ली। अब देखिए, सीधी सिलाई हम कैसे बनाएंगे, एक फंदा उतार लेंगे और एक जाली बनाएंगे दो के साथ, धागा आगे करके इस तरीके से। फिर एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे के साथ एक जाली बनाएंगे। जो हमने जाली बनाई है ना, ये दो का एक किया तो ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये सिलाई जो है हमारी पूरी, हमें इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए, हमने जो है ना, दो दो फंदे के साथ एक एक जाली बना ली। इससे हमें झालर जो लगाते हैं ना मफलर में, वो बहुत सुंदर लगती है देखने में। अब इसके बाद एक सिलाई और उल्टी बनाएंगे, जाली डालने के बाद एक सिलाई और उल्टी बनाएंगे। अब देखिए, मफलर के लिए हमने ये जो हमने जिसमें ये लगाई है ना, ये जाली बना ली। अब उसके लिए अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो आप ये बॉर्डर बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल यहाँ से डिजाइन भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर, कहीं कमेंट होते हैं ना, तो आप दीदी पूरा बताइए बॉर्डर कैसे बनाना है। तो ये एक सीधे उल्टे का बॉर्डर है और वो इसकी मैं सिलाई बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, बॉर्डर बनाने के लिए पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और फिर एक फंदा जो सीधा बनाएंगे ना, वो नीचे से बनाएंगे। ये जो सीधा फंदा ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके जो नीचे वाला फंदा है ना, वो लेके बनाएंगे इस तरीके से। और उल्टा फंदा सिंपल बना लेंगे, और फिर जो ये सीधा बनाएंगे तो ये एक नीचे से बनाएंगे। तो ये सिलाई जो है ना, बना लेती हूँ। देखिए, यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है और लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे ये ऐसे। और उल्टी सिलाई में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। जो फंदा सीधा पड़ेगा, उधर जो उल्टा था इधर सीधा आएगा, तो उसको हम एक नीचे से बनाएंगे यहाँ से, और उल्टा सिंपल उल्टा बनाएंगे, और फिर जो सीधा फंदा होगा वो एक नीचे से। तो इसी तरीके से मुझे चार सिलाई बनानी है, दोनों साइड से जो सीधा पड़ेगा वो हमें एक नीचे से बनाना है। तो चार सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मैंने कुछ सिलाई बना ली है। अब ये तीन दिख रहे हैं ना आपको, एक दो तीन, ये छह सिलाई में इतने बड़े साइज का ये दिखेगा। ये थोड़ा सा फूला फूला सा बॉर्डर आता है, मफलर या किसी भी उसमें बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं मफलर में इस तरीके का। अब ये जो बॉर्डर है ना, ये आप कितनी सिलाई का बना लो। अब देखिए, ये एक दो तीन चार,
ये मैंने 8 सिलाई का बनाया है, तो इसमें आपकी मर्जी है, आप 10 का बना सकते हैं या छोटा बनाना है तो छोटा भी बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना तो आप ये डिजाइन शुरू करते ही बना सकते हैं। मैं सभी तरीके से आपको बता दूंगी, क्योंकि फिर कमेंट होते हैं ना आप लोगों के कि दीदी इस तरीके से बताइए, तो मैंने ये शुरू से ही लेके जैसे मैंने ये बताया है नीचे से वैसे ही शुरू करके बताऊंगी। अब इसमें मैंने देखिए 8 सिलाई बनाई है और ये सैंपल बना रही हूँ ना, तो इसमें मैंने 6 सिलाई बनाई है, तो इसके ऊपर मैं अब डिजाइन यहाँ से शुरू करूँगी। और डिजाइन कैसे शुरू करना है ये देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये देखिए, और दूसरा जो फंदा है ये उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा उतारने के बाद एक फंदा उल्टा उतार लेंगे और फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दो फंदे बनाएंगे उल्टे, फिर तीसरा भी उल्टा, तो 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एक सीधा। तो अब हमें इसी तरीके से पूरी सिलाई बनानी है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। अगर आप डिजाइन कोई भी डिजाइन आप सीखना चाहते हैं ना, तो जैसे हम साथ साथ हम इसी तरीके से छोटे से सैंपल में बना के देख सकते हैं, उससे कि बहुत सही रहता है, साथ साथ हम बना सकते हैं और साथ साथ बनाने में ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ छोटे थोड़े ही फंदे डाल के पहले डिजाइन ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर जब जितने भी बड़े आपको प्रोजेक्ट में बनाना है उसमें आप बना सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरी सिलाई जो है ना ऐसे बनाई है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा, और देखिए इधर सीधा आने के बाद 2 फंदे उल्टे हैं, तो इधर भी सीधा आने के बाद 2 फंदे ये हैं, एक उल्टा एक एच स्टिच का, इधर भी, तो 2 इधर हो गए और 2 इधर, और बीच में हमारा डिजाइन, तो फंदे उस हिसाब से इसमें सेट करें। तो अब देखिए उल्टी सिलाई, इसमें ये फायदा है डिजाइन में कि उल्टी सिलाई जो बनाएंगे पूरी उल्टी बनाएंगे अपनी तरफ को, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं बनेगा, सिंपल उल्टी। अब ये बना के फिर सीधी में दिखाती हूँ, देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली बिल्कुल उल्टी। अब जो जो फंदा जैसा दिखेगा इस सिलाई में हमें वो बनाना है, डिजाइन की ये 3री सिलाई होगी, इसमें जैसा फंदा हमें दिखेगा उल्ट, ये जो हमने उल्टे बनाए थे ना सीधी सिलाई में, ये 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं और ये जो सीधा है इसको हमें सीधा बनाना है। तीन उल्टे एक सीधा, फिर 3 उल्टे एक सीधा, बहुत सुंदर डिजाइन है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालें वो बहुत सुंदर लगेगा। बच्चों के फ्रॉक होते हैं ना, बेबी फ्रॉक वगैरह बनाते हैं, बहुत सुंदर बेबी सेट होते हैं, उनमें बनाओ तो बहुत सुंदर लगेगा। अब देखिए लास्ट वाला फंदा जो है ना डिजाइन का, ये सीधा और ये साथ वाला उल्टा और फिर ये एच वाला सीधा, तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो एक हमारी ये जो किनारी है ये भी बिल्कुल सही आती है। अब देखिए डिजाइन की फिर चौथी सिलाई बिल्कुल उल्टी, 6 6 सिलाई में ये रिपीट होगा, ये चौथी सिलाई है डिजाइन की, तो उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। अब देखिए डिजाइन की हमारी ये 4 सिलाई यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब डिजाइन में हमें कैसे बनाना है, ये 5वीं सिलाई होगी डिजाइन की। अब देखिए ये पहला फंदा उतार लिया, ये जो दूसरा इसके साथ वाला उल्टा है ये उल्टा ही रखेंगे और धागा पीछे करेंगे, और जो ये सीधा फंदा है इसको सीधा करके 2 फंदों को एक यहाँ जाली बनाने के लिए 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब यहाँ एक जाली बनाएंगे, ये जो हमने 3 फंदे लिए ना, तो एक तो इसके साथ हमने घटा दिया पहले फंदे के, और एक इधर है ये बीच वाला फंदे पे हमें फिर एक जाली डालनी है, ये देखिए, और एक जाली हमें इस पे यहाँ 3 का 1, क्योंकि इधर से फंदा जो है ना इधर से हमें घटाना नहीं है, ये हमारा सीधा चलेगा, और यहाँ हमने 2 का 1 किया है, पहला फंदा पहले फंदे पे 2 का 1 किया, फिर एक जाली डाली बीच वाले फंदे पे, और अब हम ये जितने भी फंदे हैं ना 1 2 3, ये देखिए बीच वाला फंदा जो आपको सीधा दिख रहा है इसको हमें आगे करके जाली डालनी है। तो जाली डालने का तरीका मैं 2 तरह से बताऊंगी आपको, देखिए एक तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे सिलाई में से उतार लें और ये धागा हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ सीधे के साथ एक जाली बना लें, और ये जो 2 फंदे हैं ना
ये ऐसे उतार लें तो ये तीन का एक हो जाएगा। सिलाई में रख के ही फंदे उतारने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक फंदा हम ये आगे करेंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे। तो तीन का एक किया हमने तो दो दो फंदे घट गए, एक इधर बढ़ गया जाली का, एक इधर, तो हम फंदे यहाँ पूरे हो गए। फिर एक जाली डालेंगे। अब जब देखिए तीन का एक तो मैंने सिलाई में रख के ही बताया आपको, इस बार सिलाई में से उतार के बता दें। जैसे गला बनाते हैं ना, तो बीच का जो फंदा हम आगे करके ये फंदा इधर ले जाएंगे, ये वाला ऊपर ऐसे। तो इस तरीके से भी हम तीन का एक कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, आपको ऊपर फंदा लाना है ये बीच वाला, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम बीच वाले फंदे के साथ ये जो बीच तीन में से एक है यहाँ जाली डाल ली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर तीन का एक करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो फंदे उतार लिए और इस तीसरे फंदे को हमने सीधा बनाया और ये जो दो फंदे हैं ना इसके ऊपर से उतार दिया, तो वो एक ही बात है। यहाँ लास्ट में हमें देखे तीन का एक नहीं करना, इधर हमने दो का एक किया ना, तो यहाँ भी हमें दो का एक ही करना है। कई बार देखो हो जाती है गड़बड़, ध्यान नहीं रहता हमारे, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि कहीं यहाँ पर हमें एक ही फंदा घटाना है, क्योंकि यहाँ इधर एक बढ़ेगा, यहाँ हमें ना इधर घटाने बढ़ाने ना इधर। तो ये जो सीधा फंदा है ना ऐसे जाली का धागा आगे ही रहेगा और ये जो दो का एक कर देंगे, ये देखिए, तो यहाँ जाली होगा ये दो का एक और ये जो दो फंदे हैं ना ये देखिए, और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो इस तरीके से देखिए डिजाइन में हमने यहाँ जाली डाली है, हर यहाँ तीन का एक किया है और शुरू शुरू में हमने पहले में दो का एक किया है, तो लास्ट ये किनारी पे जब इधर आएंगे तो यहाँ हमें दो का एक करना है, उसके बाद जाली डालनी है। इधर हमें पहले जाली का फंदा आगे कर लेना है और दो का एक करना है, तो और फिर ये उल्टा और ये सीधा, तो ये बिल्कुल एकदम हमारा सेट हो गया। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये डिजाइन की छठी सिलाई है और उल्टी सिलाई बिल्कुल इसमें उल्टी बनेगी, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं बनेगा, सब सिलाई इसकी उल्टी उल्टी बनेंगी। अब देखिए ये जो छह सिलाई हमारी डिजाइन की कंप्लीट होगी, अब हमें डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना है और छह छह सिलाई, जैसे हमने छह सिलाई बनाई है ना, ये देखिए तीन उल्टे एक सीधा, तीन उल्टे एक सीधा, चार सिलाई ऐसे बना ली और फिर दो में ये जाली बनी, एक इसमें जाली बनी एक उल्टा, तो ये छः हो गई। वैसे ही छः छः सिलाई हमारी रिपीट होती जाएंगी, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला फंदा उतार लिया, अब चेंज हम ये करेंगे कि ये जो हमारे फंदे हैं ना, ये उल्टा फंदा जो दिख रहा है ये वाला और ये जो बीच वाला, इनको हम उल्टे बनाएंगे और जो तीन पहले उल्टे थे उनके जो बीच वाला फंदा है ये हम सीधा बनाएंगे। बस अब हमारा यही चलेगा, पहले हम थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे ना दो चार सिलाई में, तो बिल्कुल डिजाइन अपने आप सेट होता हुआ चला जाएगा। अब तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब ये जो बीच वाला फंदा है जो पहले उल्टे तीन बनाए थे उनमें से ये बीच वाला नज़र आएगा, इसको हमें सीधा बनाना है और तीन उल्टे। फिर ये फंदा सीधा और तीन फंदे उल्टे, तो ये डिजाइन बिल्कुल एकदम सेट रहेगा हमारा इधर। अब पहले जब हमने शुरू किया तो दो एक फंदा हमने पहले लिया था, अब हमारा ये फंदा भी डिजाइन में काउंट होगा, तो पूरा जो है ना डिजाइन एकदम परफेक्ट चलेगा एकदम इसी तरीके से, और किनारी भी जो है ना हमारी देखिए कितनी साफ सुथरी सी बन के रहेगी। तो ये हमने एक सीधा तीन उल्टे बना लिए, अब सेम हमें उल्टी अपनी तरफ को बनानी है सारी सिलाई, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं बनेगा। अब देखिए उल्टी सिलाई बना ली, अब जो सीधी सिलाई है ना वो जो फंदे हमने इधर से तीन उल्टे बनाए थे वो तीन उल्टे बनाने हैं और जो सीधा बनाया था वो सीधा बनाना है इस तरीके से। ये देखिए तीन उल्टे एक सीधा, तीन उल्टे एक सीधा, तो ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए चार सिलाई हमने बना ली, अब हमें ये जाली वाली दो सिलाई और ध्यान से देखनी है, फिर उसके बाद आप बहुत अच्छे से डिजाइन बना लोगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, अब इनमें से हमें ये वाला फंदा जो है ना, ये वाला जो फंदा है ये तो हम उल्टा ही बनाएंगे
और ये जो फंदा है तीसरा, ये तीन फंदे उल्टे बनाए थे, इनमें से हम बीच वाला सीधा रखेंगे। और अब हमें यहाँ जाली बनानी है, और ये जो तीन फंदे आपको दिख रहे हैं बीच वाले, ये इन पे जाली बनानी है। तो और ये इधर भी जाली बनेगी और इधर भी जाली बनेगी। तो इसमें देखिए, पहले हमने दो का एक किया था तो एक जाली बनाई थी, और अब हम यहाँ तीन का एक करेंगे तो जाली इधर भी बनेगी और इधर भी, तो ये बिल्कुल सेट रहेगा एकदम। तो जाली आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए धागा आगे कर लिया, और सिलाई में से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती फंदे। और ये जो दो फंदे हैं ना, ये इसके ऊपर पलट देते हैं तो ये बीच वाला फंदा जो है ऊपर आ जाता है। फिर एक फंदा हम इधर से जाली बनाएंगे, ये सीधा ही बनेगा जाली पूरी सिलाई। फिर आगे करेंगे धागा, और यहाँ हम इस तरीके से इन दो को उतार लेंगे बिना बने, और ये ऐसे करके और इसको ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए डिजाइन में एक फंदा ये एच वाला, एक उल्टा रहा इधर, और एक इधर उल्टा रहा एक एच वाला। तो यहाँ इन फंदों में बीच में डिजाइन हो गया सेट। तो ये सीधा इसी वजह से रहता है, कई बार ना इस तरह के डिजाइन में गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा यही ध्यान रखें। और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन आगे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये जो फंदे हैं, ये बीच वाला, इसमें ध्यान यही रखना है कि ये जो बीच के तीन फंदे हैं ये उल्टे करने हैं हमें, और ये जो बीच वाला है इसको हमें सीधा रखना है। तो उसी तरीके से फिर ये ऐसे डिजाइन बदलता हुआ चला जाएगा। देखिए जैसे हमने पहले ये बीच वाला फंदा जो है ना यहाँ पर यहाँ सीधा किया था, इस बार हमें ये जो तीन फंदे आप देख रहे हैं ये वाले, तो ये वाला फंदा सीधा करना है, ये वाला इधर, ये वाला फंदा सीधा करना है, और ये तीन फंदे, ये जो सीधी लाइन जा रही है जो, इसको हमें उल्टा करना है, एक इधर का उल्टा एक इधर का, और जो ये यहाँ से कटी हुई है जहाँ उल्टा है ये हमें ऊपर तक सीधी ले जानी है। तो इस तरीके से ये हर बार बदलता हुआ चला जाएगा डिजाइन। तो अगर देखिए अब आपको मफलर अगर बनाना है, तो फिर हमें जैसे हमारा मफलर की लंबाई पूरी हो गई, तो लास्ट में हमें जो भी हम बॉर्डर बनाएंगे वो बॉर्डर बना के, फिर जैसे मैंने यहाँ जाली डालनी बताई थी ना दो दो फंदों के बाद, तो वैसी ही जाली डाल के और फिर हमें ये फुमन बांधने हैं बंद करके। तो कई कमेंट होते हैं कि ऊपर बंद कैसे करेंगे, तो ऊपर बंद करने का तरीका यही है। अगर मान लो आपको मफलर बनाना है, तो जैसे आपकी मफलर की लंबाई पूरी हो गई, तो ये जो है ना उल्टे सीधे के फंदे बना के फिर हमें ये जाली बनानी होंगी, और उसके बाद ये फिर हमें फुमन लगाने होंगे। देखिए फुमन लगाने के लिए हमें इस तरीके से जितने भी बड़े साइज के बनाने हैं, तो चार धागे लेके और इसको यहाँ से इसको कट कर देना है, और जितने भी बड़े साइज के आपको बनानी है आप इकट्ठे बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक ही बना के दिखाया, फिर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है ना। देखिए फुमन लगाने के लिए जैसे ये जाली है, जाली में इस तरीके से क्रोशिया में से डालेंगे हम, और ऐसे डाल के इस तरीके से सारे फुमन लगा लेंगे, जैसे ये इसमें लगाया मैंने, ये जो लगा रखे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिजाइन है। कैसा लगा आपको मेरा बताने का तरीका और डिजाइन, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और फिर मैं जैसे आप कमेंट करोगे उसी तरीके से वीडियो में बता दूंगी। और मफलर की लंबाई जो है ना 65 इंच से कम ना करें, चाहे ज़्यादा ही कर लें वो अपनी लंबाई के हिसाब से आप। और चौड़ाई जो है ना, देख फंदे इसमें मैंने बता देती हूँ, इसमें 45 फंदे डाले हैं मैंने, 45 फंदे डाल के ये बनाया है मफलर के हिसाब से, इतनी चौड़ाई बिल्कुल सही रहती है। और लंबाई आप अपने हिसाब से डाल लें। और 10 नंबर की इसमें सिलाई लगाई है, देखिए ये 10 नंबर की सिलाई है। और जो ये ऊन है ना, ये 200 ग्राम लग जाती है मफलर में। कई लोगों के कमेंट होते हैं कि दीदी ऊन बताइए कितनी लगेगी, तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी, फंदे आप ऊन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई आप अपने गले में नाप के देख लें। 65 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए मफलर, तो सही लपेट हो जाती है। फिर छोटा मफलर रह जाता है ना, वो उतना अच्छा हमारा गले में फिर लपेट नहीं होती।
तो ऊन ये 200 ग्राम, और पतली अगर ऊन लगाते हैं तो थोड़ी सी और कम लगेगी, मोटी थोड़ी सी ज़्यादा, और सिलाई और बनाने के ऊपर डिपेंड करता है आपका हाथ कैसा पड़ता है। तो मैं तो 10 नंबर से बनाती हूँ, ये वर्धमान की ऊन है, 2 गोले लग जाते हैं मफलर में। और ये अगर स्वेटर में आप डिजाइन डालेंगे तो फिर स्वेटर में तो आपको ऊपर ये बनाने की ज़रूरत नहीं, मफलर में आपको ये बनाने की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, जब हम हमारा मफलर पूरा हो जाएगा। यहाँ मैंने जो जैसे इसमें बताया ना आपको, ये देखिए डिजाइन तो इस तरीके से हमारा बदलता हुआ जाएगा ये। तो